लक्ष्मी सहगल थी। आजाद भारत के इतिहास को नारियों के गौरव गाथा से खाली नहीं रहना था। श्रीमती प्रतिभा पाटिल मंत्री, श्रीमती सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, श्रीमती किरण बेदी प्रथम महिला आईपीएस, श्री का कीर्तिमान बढ़ाया है। आज नारियां पुरुषों से किन्हीं भी मायनों में कम नहीं है। वे उच्च शिक्षित हैं, डॉक्टर, इंजीनियर। चलिए, थैंक यू। सबने आज देखा, हमने 4 वीक्स का निटिंग और एम्ब्रॉयडरी का एक कार्डर किया, जिसके अंदर हमने 10 हम्बल बैकग्राउंड की लेडीज को बटगांव डिस्ट्रिक्ट में, नौगांव में आइडेंटिफाई किया, उनको लेके आए और एजुकेट किया कि कैसे एम्ब्रॉयडरी करना है, कैसे स्टिचिंग करनी है, कैसे इसको आगे चीज़ों को बना के सेल करना है। और इनको एम्पावर करने के लिए हमने इनको मशीन्स दी और सामान दिया, ताकि थोड़े टाइम तक ये खुद इस सामान से कंटिन्यू कर सकें। तो ये एक हमारा एम था वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, हमारा एम था वुमेन को ऊपर लाने के लिए सोसाइटी में, और हमारा एम था कि हम हम्बल बैकग्राउंड से वुमेन को पढ़ा सकें। आप सब जानते हैं कि हम जो ये काफ़ी सारे इवेंट्स कर रहे हैं पिछले 6 महीने के अंदर, मैं हैरान हूँ। मैं स्पेशली यंग चिल्ड्रन को देखता हूँ कि ये पूरे टैलेंट से भरे हुए हैं। हमने एक इवेंट कराया जहाँ पर ऐसे ही यंग गर्ल्स हमारे साथ रन फॉर फन में दौड़ी थी, और उन्होंने बोला कि सर हमारे लिए डिबेट कॉम्पिटिशन कराइए, हमारे लिए डांस कॉम्पिटिशन कराइए। हमने उनके लिए वो कराया। वो देखने के बाद मैं हैरान हो गया, उनका पॉइंट आया कि सर ये निटिंग और एम्ब्रॉयडरी कार्डर कराइए। हमने ये कराया और जो मैं इनका देख रहा हूँ, जो ये लोग बनाते हैं, जो इनका स्टैंडर्ड है, बहुत हाई स्टैंडर्ड है। सो मैं यही कहना चाहूँगा, दे आर वेरी एजुकेटेड, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, वी जस्ट नीड टू गिव देम एन अपॉर्चुनिटी। तो फ्यूचर परसों हमें देखेंगे। परसों हम एक और बड़ा इवेंट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम 20 to 25 गर्ल्स को हमने आइडेंटिफाई किया है, और उनको हम गुलमर्ग लेके जा रहे हैं, और गुलमर्ग के अंदर उनको वेरियस हेरिटेज की प्लेसेस दिखा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनको स्कीइंग भी करा सकें। सो एक ये इवेंट कर रहे हैं, उसके 7 दिन बाद हम एक और इवेंट कर रहे हैं, जिसके अंदर बच्चों को वॉलीबॉल खिला रहे हैं और इंडोर गेम्स खिला रहे हैं। सो आप देखेंगे हम एट द रेट ए वीक इवेंट करते जा रहे हैं, ताकि आवाम को अपने साथ कनेक्ट करें और यंग माइंड्स को बताएं कि ये देश आपका है, ये आर्मी आपकी है। सर, मैं यूथ को बस इतना कहना चाहूँगा, आप लोग इंटेलिजेंट हैं, यूट्यूब, मीडिया, ट्विटर सब देख रहे हैं, प्लीज़ डोंट फॉल इनटू रॉन्ग हैंड्स, गलत संगत में ना पड़ें, समझें कि देश में क्या हो रहा है और उसके साथ चलें। आज हमें बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि इंडियन आर्मी ने हमें बहुत ही अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है, इंक्लूडिंग आसिम सर जिन्होंने हमें ये पाथ प्रोवाइड किया है यहाँ आने का। हम एक तो अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर पा रहे हैं, और हमें फाइनेंशियली हेल्प हो रही है। मतलब जो हमारी फॉर फ्लंग एरियाज है, वहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ लड़कियों को बोला जाता है आप पढ़ाई छोड़ दो, वो बाकी घर का काम करिए। तो मैं उन लड़कियों को भी ये मतलब इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि वो अपनी एम्ब्रॉयडरी वगैरह ना छोड़े। निटिंग वगैरह हमें इस मंथ में सिखाई गई, एक मंथ का कोर्स था जिसमें हम 10 लड़कियाँ थी, और इसमें हमें स्टिचिंग सिखाई गई, क्रिवल एम्ब्रॉयडरी सिखाई गई, जो कि बहुत ही मतलब हेल्पफुल है हमारे लिए। इससे हम एक तो अपना रोज़गार भी कमा सकते और अब अपनी माएँ बहनें जो हमारे घर में बैठी है वो भी मतलब बहुत ही फ़ायदा उठा सकती है। ज़्यादा इवेंट अच्छा है, और हमें आज सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड हो रही है, और मशीन्स वगैरह भी प्रोवाइड हो रही है, जो हमें बहुत ही